दोस्तों, यह वीडियो बिना कुछ कहे शुरू के महज 5 सेकंड्स में ही इस बच्चे और वीडियो बनाने वाली उसकी माँ का दर्द बयां कर देता है। मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा समय तक इस्तेमाल की वजह से इस बच्चे को ब्रेन ट्यूमर हो गया है और इसका न्यूरो सिस्टम लगभग 70% तक डैमेज हो चुका है। अभी मोबाइल इसके शरीर का एक हिस्सा बन चुका है जिसको इससे अलग नहीं किया जा सकता। ये इतना भी तभी चल पाता है जब तक कि इसके हाथ में मोबाइल फ़ोन रहता है। इसके आगे का वीडियो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, वो भी आप तभी देखिएगा कि जब आप अपने आप से प्रॉमिस कर लें कि आज के बाद आप अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप वशिष्ठ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप पोटली वाला में। संसाधनों और दिखावे की इस दौड़ ने वक्त की रफ्तार को इतना तेज कर दिया है कि औरों के लिए तो दूर, आज अपने लिए भी समय निकालना मुश्किल हो चुका है। मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव्स छोटे बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि कुछ ही समय में सेरेबिलियम्स को डैमेज कर सकती है। सेरेबिलियम्स दिमाग का वो हिस्सा होता है जिसको आप छोटा दिमाग बोलते हैं। यही वो हिस्सा होता है जिससे आपकी बॉडी को कमांड मिलती है कि कब सीधे चलना है, कब लेटना है, कब बैठना है, और इसके बिना आप अपनी उंगली हिलाने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये सब बातें हम भली भांति जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपनी सुविधाओं के हिसाब से अपने मोबाइल का अपने बच्चों के सामने इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ उनको भी इस्तेमाल करना सिखाते हैं ताकि आपको बच्चे की जिम्मेदारी से छुटकारा मिल सके और आपको अपने लिए वक्त मिल सके। धीरे धीरे आपका बच्चा इस मोबाइल का गुलाम हो जाता है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसका पढ़ाई में मन लगना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि सभी तरह के खेलों से भी उसकी रुचि खत्म हो जाती है। इसके बाद भी अगर आप अपने बच्चे की सुध नहीं लेते हैं, उसको नहीं संभालते हैं, तो उसके बाद ये सिचुएशन आ जाती है। यह बच्ची दिल्ली के एक अस्पताल में एडमिट थी, इसका वीडियो इसके डॉक्टर्स ने बनाया था। अगर इस बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं होता है तो इसको दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, एक मासूम बच्चा आपसे क्या मांगता है? आपकी बिजी लाइफ में से थोड़ा सा समय, थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी मोबाइल से दूरी। इस वीडियो को शूट करते समय इस बच्चे की माँ के आंसू नहीं थम रहे थे, लेकिन उसके पति ने उसका हौसला बढ़ाया कि तुम ये वीडियो बनाओ ताकि किसी और माँ या उसके बच्चे को ये दिन ना देखना पड़े। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि यह वीडियो हर माता पिता के मोबाइल तक ना पहुँच जाए। फाइनली मैं यही कहूँगा कि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है, अब आपको इस वीडियो को हर एक मोबाइल तक पहुंचाना है ताकि इस बच्चे का बलिदान और इसकी माँ के आंसू बेकार ना जाएं।